इस सवाल में आपको दिया गया है एक सर्किट और आपसे बोला गया है कि इसके बैटरी में से की क्लोज करने के जस्ट बाद और एक बहुत लंबे टाइम के बाद कितना कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। मतलब आपसे इस सर्किट में बैटरी के थ्रू इनिशियल करंट और स्टेडी स्टेट का करंट पूछा गया है। तो बात करते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे मतलब इनिशियल स्टेज पे आपके जो कैपेसिटेंस है दे बिहेव लाइक जीरो रेजिस्टेंस, दे बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। तो हम कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट बना के दोबारा से इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। हमारे पास आएगा एक बैटरी है ईएमएफ ई की तो क्लोज्ड है, यहाँ रेजिस्टेंस है आर वन, यहाँ पर ऊपर से सब कुछ शॉर्टेड है, इधर आर टू है, इधर आर थ्री है। तो आर टू और आर थ्री में से तो कोई करंट पास होगा नहीं, सारा करंट इसमें से चला जाएगा शॉर्ट सर्किट में से। इसका ईएमएफ है ई, तो यहाँ से करंट कितना गया, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका हो गया आर वन, तो आपका जो करंट है आई वन उसको हम कह देते हैं आई वन इज इक्वल टू ई बाय आर वन। दिस इज द करंट व्हेन ही इज जस्ट क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटेंस बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, उसमें से कोई करंट बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के पास हो गया, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया, तो उसके पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं सब बेकार हो गए, इसलिए आपका जो करंट आया कितना आया E बाय आर वन। अगले बात करता है एट स्टेडी स्टेट मतलब एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे दीज कैपेसिटर्स बिहेव लाइक ओपन सर्किट, तो उसमें हम सर्किट को दोबारा ड्रॉ करते हैं। कैपेसिटेंस तो ओपन सर्किट है, बिहेव लाइक इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस, उसमें से कोई करंट पास होने नहीं देगा, तो आपका जो सर्किट है ऊपर से ओपन है, यहाँ से कोई करंट पास नहीं हुआ, यहाँ पे R2 है पर इसके आगे भी ओपन है, यहाँ से भी कोई करंट पास नहीं हुआ, इधर है R3, ये R3 काम का है और ये R1 काम का है और इस तरीके से कनेक्टेड है। तो आपका जो इस केस में क्योंकि इन दोनों से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, सीधे R1 और R3 आपके सीरीज में है, तो आपका जो R इफेक्टिव है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R3। देयरफॉर फाइनल स्टेज में जो करंट है I2, दिस करंट इज गिवन बाय I2 इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R3।